हेलो फ्रेंड्स, टेक बियर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने करने जा रहे हैं इनफोकस एपिक वन की अनबॉक्सिंग, जो कि मैंने अमेजोन की सेल से 8999 में मंगाया, जो कि अभी आपको 9999 में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका बॉक्स कुछ इस तरह से है। ये इसका IMI नंबर और SR वैल्यू और इसकी MRP 9999। तो इस बॉक्स को अब हम खोलेंगे। तो मैं आपको जितने बता देता हूँ कि जो इसकी स्पेसिफिकेशन है वो क्या क्या है। जो इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग डेट है वो है 25 अक्टूबर 2016, और इसमें 4G बैंड्स है जो इंडियन बैंड सपोर्ट करते हैं। 5.5 इंच का इसमें 5.5 इंच की स्क्रीन है, फुल HD डिस्प्ले है, IPS LCD है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास दे रखा है। और जो इसका पिक्सल डेंसिटी है वो 401 PPI है। और इसमें जो प्रोसेसर दिया है वो MediaTek का MT6797 दिया है, जो कि डेका कोर है, जिसमें 2 GHz पे ड्यूअल कोर, 1.9 GHz का क्वाड कोर प्लस 1.4 GHz का क्वाड कोर कॉर्टेक्स A53 है। और इसका जो आर्किटेक्चर है वो 64 बीट का है, और इसमें जो रैम है वो 3GB दे रखी है, और जो इंटरनल मेमोरी है वो 32GB है। तो अब हम आपको खोल के दिखा रहे हैं कि इसमें और क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। और इसका कैमरा जो है फ्रंट मेगापिक्सल 8 MP का है, और जो इसका अपार्चर है 1.8F है, और उसमें फ्लैश नहीं है फ्रंट में। और जो पीछे का कैमरा है इसका, जिसे प्राइमरी कैमरा कहते हैं, वो है 16 MP। तो चलिए अब आपको कैमरे के सैंपल्स और कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन दिखा देते हैं। चलिए क्विक अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो हम इसका बॉक्स खोलेंगे और आपको दिखाएंगे कि इसका अंदर से मोबाइल कैसा है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, ये वाइट कलर, इसके पीछे फिंगरप्रिंट सेंसर और इस पर इसकी कुछ वार्निंग्स लिखी हुई। तो अब हम इसका फर्स्ट बूट करके आपको दिखा देते हैं कि इसकी जो अंदर की UI है, जिसको इन्होंने इन लाइफ UI 2.0 का नाम दिया है, तो किस तरह से दिखती है और किस तरह से इसका यूज़र इंटरफेस है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका हमने फर्स्ट बूट जो है कंप्लीट कर लिया है। तो हम इसको अब आपको दिखाएंगे इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो किस तरह से, उसका कैमरा सैंपल कुछ हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको उसका कैमरा सैंपल दिखा देते हैं कि जो 16 MP का प्राइमरी कैमरा है वो कुछ किस तरह से दिखता है। तो मैं आपको इसकी जो वीडियो के एंड में है कैमरा सैंपल की कुछ फोटोज डाल दूंगा, तो आप उसे देख सकते हैं। जो कि फ्रंट 16 MP का प्राइमरी और जो 8 MP का फ्रंट कैमरा, उसके सैंपल्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। तो हम आपको थोड़ा सा यूज़र इंटरफेस दिखा देते हैं कि इसका जो होम UI है वो किस तरह से है और किस तरह से ये काम करती है, आपको कौन कौन सी ऐप्स मिलती है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि आपको कैलकुलेटर, FM वगैरह सब इनबिल्ट मिलती है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि इसमें जो क्विक चार्जिंग ये फ़ोन सपोर्ट करता है, उसमें C टाइप USB दे रखी है। तो आप इस फ़ोन को ख़रीदने के लिए जा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ़ोन कुछ इस तरह से दिखता है, और जो इसकी नोटिफिकेशन पैनल है वो कुछ इस तरह का, और जो इसमें ब्राइटनेस है वो स्लाइडर नहीं दिया गया, इसमें सिर्फ 3 मोड दिए गए, एक तो लो, मीडियम, फुल और ऑटोमेटिक। और इसमें अब जो नोटिफिकेशन पैनल है उसमें हर फ़ोन की तरह आप क्या आपको ऐड करना है, क्या हटाना है, कौन सा कहाँ रखना है वो असाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ ये फ़ोन इस तरह से। और अगर आपको 10,000 बजट है और आप Redmi 3S Prime नहीं खरीदना चाहते या Redmi फ़ोन नहीं खरीदना चाहते, तो आप इस फ़ोन के लिए ज़रूर जा सकते हैं। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी है, और हम इसको आपको अबाउट फ़ोन दिखाने चाहेंगे, जो इसका सिक्योरिटी पैच लेवल है और Android 6.0, जो सिक्योरिटी लास्ट अपडेट है वो 5 जून 2017, बेस बैंड वर्जन कुछ इस तरह से आप क्यों पढ़ सकते हैं। बिल्ड नंबर इसका ये है, कर्नल वर्जन ये है। और हम आपको बताते हैं कि जो इसके बॉक्स में बाकी एसेसरीज मिली है हमें, उसमें क्या क्या मिला है, ईयरफोन है या नहीं। तो इसका बॉक्स कुछ इस तरह से है, इसमें हमको कोई कवर या टैम्पर नहीं दिया गया है। ये इसकी यूज़र गाइड कि इसको किस तरह आपको काम में लेना है। ये है इसका अडेप्टर, जो इसकी मैं आपको इसकी रेटिंग वगैरह पढ़वा देता हूँ कितनी है। आप इसकी रेटिंग और वगैरह, फोकस प्रॉब्लम, इसकी रेटिंग और इसका आउटपुट जो भी है पढ़ सकते हैं। अब हमें इसके साथ में मिली है एक C टाइप की USB केबल, जो कि क्विक चार्ज को सपोर्ट करती है। और इसके साथ में मिला है एक ईयरफोन, जो कि नॉर्मल ईयरफोन है, और इसकी जो बैटरी है वो 3000 mAh है। और जो इसमें मिली हमें एक सिम इजेक्टर टूल, जिसको हम पिन भी कहते हैं। तो आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके कोई भी कमेंट और सुझाव नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, और ना पसंद आई है तो डिसलाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।